₹20 के भुजे। नमस्कार, संगीतासिंह.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी भुजा रेसिपी। तो चलिए देखते हैं भुजा रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने ये नमक लिया है, अंदाजे से ही ले लिया है। आँच हमारा जल चुका है, मैं ये कढ़ाई में डाल दे रही हूँ और इससे मैं भुजा भूजूंगी। ये डंडी ले रखी हूँ, ये किसी भी लकड़ी का आप ऐसे पतला पतला लंबा लंबा जो आए वो ले सकते हैं। इसको ऐसे करके चला दूँगी इसमें। ये नमक ऐसे ही गर्म होने लगेगा, कढ़ाई गर्म हो चुका है, फिर मैं इसको रख दूंगी। और ये सब चीज़ मैं ले रखी हूँ थोड़ा थोड़ा, एक एक घानी। भुजा भूजते हैं जिसे घानी बोलते हैं, एक बार में जिसको भूजते हैं उसे घानी बोलते हैं। इतना एक बार में भूजा जा सकता है, तो इतना मैं चूरा ले रखी हूँ, चूरा यानी कि पोहा। और इतना ही मैं चावल ले रखी हूँ, और इतना ही मैं मक्का ले रखी हूँ, और इतना ही मैं चना ले रखी हूँ। आप चाहें तो मटर भी ले सकते हैं, चिवरी ले सकते हैं, बहुत कुछ भुजा में आता है। तो अब मैं भूजना शुरू करूँगी। मैं नमक के गर्म होने का इंतजार कर रही हूँ। रेत में भी भुजा भूजा जाता है, लेकिन मैं नमक में ही भूज कर दिखा रही हूँ। भुजा भूजने में हाई फ्लेम की ज़रूरत होती है, हाई से हाई, तो इसलिए मैं ये रेसिपी चूल्हे पर ही दिखा रही हूँ, ताकि चूल्हा और तेज़ जलता है गैस से भी। नमक जब ये गर्म हो जाएगा, नमक में से धुआं आने लगेगा। जब ये जो मैं लकड़ी का डंडा ले रखी हूँ ऐसे करने पर, इसमें से धुआं आएगा, तब मैं इसमें कोई भी चीज़ डालूँगी भूजने के लिए। अभी मैं आँच और लगाऊँगी इसमें, इसीलिए मैं ये रेसिपी चूल्हे पर दिखा रही हूँ। मैं सोची ये रेसिपी चूल्हे पर ही दिखाना ठीक होगा, गैस से ज़्यादा अच्छा, तो ये मैं चूल्हे पर ही दिखा रही हूँ। आप चाहें तो रेत में भी भूज सकते हैं। रेत को बढ़िया से चाल कर छन्नी से फिर कढ़ाई में डाल लेंगे, फिर गर्म हो जाएगा तो फिर एक बार और छान लेंगे। फिर उसमें पहले मोटा अनाज भूजते हैं, जैसे ये मक्का हो गया, चना हो गया, तो इसको चालेंगे तो कुछ उसमें कंकर पत्थर होगा तो इसके साथ आ जाएगा, तो हम चुन लेंगे। और बाद में पतला चीज़ बारीक चीज़ भूनते हैं। तो ये हमारा नमक गर्म हो रहा है, अभी गर्म नहीं हुआ है। जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें भुजा भूजना शुरू करूँगी। ये देखिए नमक हमारा गर्म हो चुका है, इसमें से फूट फूट होने की आवाज़ आ रही है। और ये देखिए इस लकड़ी में से भी धुआं आने लगा है। अब मैं इसमें मक्का डालूंगी। मक्का ऐसे कम गर्म में ही डालते हैं, लेकिन मक्का मोटा अनाज है, इसलिए पहले मैं मक्का ही डालूंगी। उसके बाद मैं चना डालूंगी, फिर चावल डालूंगी, फिर चूरा भूजूंगी। मैं कई चीज़ भूज रही हूँ, कई चीज़ नहीं भूज रही हूँ। जो हमें पसंद है हम भूज रहे हैं, जिसको जो पसंद रहता है भूजा में वो भूजता है, जो नहीं पसंद रहता है उसको हटा देता है। ये देखिए हमारा मक्का फूटने लगा, नमक गर्म था, ये तुरंत फूटने लगा। ये सब ऐसे ही फूटेगा, सब जब फूट जाएगा तो उसके बाद 2 मिनट तक मैं ऐसे चलाकर फिर इसे छन्नी से छान लूँगी, फिर नमक दोबारा कढ़ाई में डाल दूँगी, फिर कढ़ाई जब गर्म होगा तब दूसरा चीज़ इसमें डालूँगी। जब ये फूटने लगता है, ऐसे मक्का, तो इसको ऐसे ढक लेते हैं थोड़ा, नहीं तो ये बहुत दूर में उड़ जाता है और चेहरे को भी जला देता है, कभी कभी चेहरे पर आ जाता है। इसमें हाई फ्लेम ही चाहिए होता है, और ये डंडी थोड़ा बड़ा ही लेते हैं, नहीं तो हाथ जल जाता है। जब ज़्यादा उड़ता है तब थोड़ा आँच कम कर देते हैं। भुजा भूजने के लिए लकड़ी अच्छी चाहिए होती है, सूखी बिल्कुल, ताकि आँच तेज रहे। आप अगर गैस पे भून रहे हैं तो हाई फ्लेम पर भूनिए। अब ये भुजा मेरा फूटना बंद हो गया है, अब ये थोड़ा झूर हो गया। अब मैं इसको ऐसे निकाल लूँगी, ऐसे छलनी में रखूँगी। फिर कढ़ाई को ऐसे गर्म होने के लिए रख दूँगी। फिर ये नमक इसी में डाल दूँगी, इसको ऐसे कर दूँगी। ये देखिए भुजा हमारा, मक्के का भुजा तैयार हो गया बिल्कुल। फिर नमक गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं दूसरा भुजा डालूँगी। ये देखिए मैं चना डाल रही हूँ, चना को भी इसी तरीके से ऐसे भून लूँगी। नमक पूरा गर्म है, चना ऐसे रेत में भूनते हैं तो उसमें ज़रा सा पानी और ज़रा सा नमक डाल देते हैं और उसको ऐसे मैश कर देते हैं। लेकिन ये नमक में ही भून रहा है, अगर नमक पानी में मिक्स कर दूँगी तो इसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा, इसमें से भी नमक ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो चना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ऐसे सूखा ही भून रही हूँ। देखिए ये हमारा चना भी फूटने लगा, देखिए कितना अच्छा फूट रहा है। नमक खूब गर्म था, नमक अगर कम गर्म होता तो इतना जल्दी ये नहीं फूटता। इसको हमें झूर नहीं करना होता है,
इसको ऐसे ही जैसे इसका फूटना बंद होगा मैं इसे निकाल लूँगी छलनी में और छान लूँगी, नमक में से निकाल लूँगी, फिर चूल्हे पर फ्राई रख दूँगी, फिर नमक गर्म होने दूँगी, फिर दूसरा चीज़ डालूँगी। ये चना भी हमारा हो गया, फिर मैं चने को भी ऐसे ही निकाल लूँगी इसी तरीके से जैसे मक्के को निकाली थी, ऐसे करके हम चाहे तो चूल्हे पर से भी निकाल लेंगे ऐसे ही छन्नी में, लेकिन ऐसे निकालना बिल्कुल आसान होता है, एक बार में हो जाता है। कढ़ाई ऊपर रख के उसी में छानते हैं ताकि कढ़ाई भी ना ठंडा हो और नमक भी ना ठंडा हो। फिर इसको मैं इसी प्लेट में रख दूँगी, फिर आँच को थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद ये नमक गर्म है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है, नहीं तो चावल डालते ही जल जाएगा, चावल बारीक है। अब मैं चावल डालती हूँ, ये देखिए हमारा चावल भी अब फूटने लगा है, धीरे धीरे ये फूट गया। अब मैं इसे भी निकाल लूँगी, चावल बहुत जल्दी भून जाता है, इसको थोड़ा सा मैं टाइट कर रही हूँ कि ये भी चावल कच्चा ना रहे, नहीं तो ये दांत में चिपकने लगेगा। ये देखिए हमारा चावल भी भून गया, ये देखिए थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया, मैं चावल को भी निकाल ले रही हूँ। अब मैं इसके बाद चूरा भूनूंगी, निकालने में थोड़ा सावधानी से निकालना होता है ऐसे, नहीं तो हाथ तुरंत जल जाएगा हमारा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में लाइक कीजिएगा। आप भी भूंजा भूनिएगा और खाइएगा और कमेंट कीजिएगा, मैं भी जानूँ कि आपका भूंजा कैसा बना। थोड़ा सा और नमक गर्म हो जाएगा तो मैं ये चूरा डालूँगी, भूंजा बहुत चीज़ का भूना जाता है, मक्के का चिवड़ी भी होता है उसका भी भूजा भुना जाता है, मटर का भी भुना जाता है, भूजा में बहुत चीज आता है। ये देखिए अब चूरा भी फूटने लगा, ये देखिए हमारा चूरा भी अब लगभग हो चुका है। अब मैं आँच कम कर दूंगी, बंद ही कर दूंगी और इसको भी उतार लूंगी, चूरा बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी जल जाता है। इसको मैं ऐसे निकाल लूँगी, अब मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊँगी भूजा फटकते हुए कि भूजा कैसे साफ किया जाता है। मेरा चारों टाइप का भूजा भूज गया, अब मैं आगे का प्रोसेस भूजा को साफ करते हुए दिखाऊँगी। ये देखिए भूजा को मैं ऐसे ले लूँगी, इसको ऐसे ऐसे कर दूँगी जो इसका नमक है इसका गिर जाएगा, फिर मैं इसको ऐसे कर दूँगी, फिर इसको मैं कपड़े से ऐसे 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 कर दूँगी, फिर मैं इसको ऐसे करके रख दूँगी, साफ होकर भूजा मेरा ऐसे रख लूँगी, ऐसे पलट लूँगी इसको, फिर ऐसे चाल दूँगी तो इसका नमक निकल गया, फिर इसको ऐसे कर लूँगी, फिर कपड़े से इसको ऐसे ऐसे कर दूँगी, जो चीज़ को थोड़ा सावधानी से रखते हैं नहीं तो ये बाहर गिर जाता है। इसको मैं ऐसे रख दी, ये भी हो गया। अब मैं ये चाल लूँगी, पहले पूरा एक्स्ट्रा नमक निकाल दूँगी, फिर ऐसे फिर कपड़े से इसे भी इसको ऐसे फटक दूंगी, ये भी साफ हो गया। इसको मैं ऐसे रख दूंगी, ये भी फटका गया। अब मैं इसे चाल लूंगी, फिर इसको ऐसे रख लूंगी, फिर इसी कपड़े से इसको भी ऐसे ऐसे कर दूंगी, ऐसे फटक दूंगी इसको भी, मैं सर्व करके दिखाऊंगी कैसे भुजा खाते हैं। हो गया, ये हमारा उत्तर भारत का फेमस डिश भुजा, फटक कर साफ कर कर मैं बिल्कुल फ्रेश तैयार कर दी हूँ सर्व करने के लिए। आप भी भुजा भूजिए, खाइए और अपना अनुभव हमारे साथ संगीता सिंह.com पर शेयर कीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।